Good morning, dear students. You are welcome to your online math class. This is multiplication of decimals. आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन बताने जा रही हूँ, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सभी क्लासेस के लिए काम आएंगे. इसलिए मैंने यहाँ पर क्लास मेंशन नहीं किया हुआ है, बट इट इज़ बेसिकली मेड फॉर क्लास 5 चैप्टर 10 टेंस एंड हंड्रेड्स. सो चलिए हम देखते हैं इसको. आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं अगर आपको पता है, तो आप डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले हम ये स्केल देखते हैं. यहाँ पर देखिए, जीरो से स्टार्ट है, ठीक है ना, और आगे यहाँ पर 9 है और आगे भी स्केल्स हैं. तो यहाँ पर देखेंगे 0 और 1, ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मिलीमीटर दिया हुआ है. सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्केल है. तो देखिए 0 से 1 के बीच में मिलीमीटर में कितने डिवीज़न है? 10 डिवीज़न है. दैट मीन्स कि जो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में 10 पार्ट होते हैं 0 से 1 के बीच में, और हर एक पार्ट कहलाता है 1 मिलीमीटर. दैट मीन्स कि जो 1 मिलीमीटर होता है वो सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट होता है. जैसे कि आपने क्लास 5 मैथ्स में आपने पढ़ा था होल्स में, पार्ट्स एंड होल्स में, कि किसी भी पार्ट को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो किसी भी शेप को, तो हर एक पार्ट उस शेप का 1/4 होता है. तो यहाँ 1 सेंटीमीटर अगर 10 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 पार्ट क्या होगा? मिलीमीटर, और वो सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट होगा. इसी तरह से आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं. तो 4.3 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है 4 सेंटीमीटर. 0.3 यानी कि 1, 2, 3, तो यहाँ पर आएगा 4.3. तो 4.3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अगर आप इस स्केल के देखेंगे स्केल को, तो 43 मिलीमीटर होगा. या 4.3 सेंटीमीटर में को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये आप देख लीजिए 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीज़न है? 10 डिवीज़न है. सो यू कैन राइट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर. इसी तरह से सेंटीमीटर और मीटर में भी रिलेशन है. ये मीटर स्केल है, कि स्केल बहुत बड़ी होती है, इसलिए आप इस वीडियो में क्लियर नहीं दिख पाएगी. तो चलिए हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. दैट मीन्स कि 1 मीटर के जब आप 100 पार्ट करोगे, तो हर एक पार्ट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा. सो 1 मीटर को में 100 पार्ट होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा? मीटर का 1/100. सो ये हो जाएगा 0.01 मीटर. अब ये डेसिमल लगा हुआ है, तो ये कैसे लगाते हैं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे. तो सेंटीमीटर और मीटर में आप रिलेशन देख लीजिए, और यहाँ पर जो सेंटीमीटर और मीटर में हमने रिलेशन देख लिया हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. सो नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन किलोमीटर एंड मीटर. सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, दैट मीन्स 1 किलोमीटर के 1000 पार्ट करेंगे, तो हर एक पार्ट 1 मीटर होगा. सो 1 मीटर किलोमीटर का कितना पार्ट हो जाता है? 1000th पार्ट. जिसे हम लिखेंगे 0.001 किलोमीटर. डेसिमल कैसे लगा हुआ है ये हम आगे देखेंगे. सो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल प्लेस. सो डेसिमल प्लेस क्या होता है ये हम देखेंगे. द प्लेस ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इज सेट टू बी द डेसिमल प्लेस ऑफ द डेसिमल. यानी कि क्या होता है, जो डिजिट का जो प्लेस होता है डेसिमल के, प्लेस ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है ना, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने नंबर होते हैं वो कहलाता है डेसिमल प्लेस उस डेसिमल का.
जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, देखेंगे 3.5, तो 3.5 में आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो ये हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट है 0.28, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। 6.100, ठीक है ना, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो ये 3 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। इस तरह से 24 में कोई भी डेसिमल नहीं है तो 0 डेसिमल प्लेस होगा। सो नेक्स्ट है आपका टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। एक होल नंबर का डेसिमल से मल्टीप्लाई 24.21, जब इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए डेसिमल को आप अभी भूल जाइए कि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, आप मल्टीप्लाई करिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 4 जा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करेंगे तो पहले हम डेसिमल हटा दे रहे हैं, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पे 3 का, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12, 2 कैरी 1 आएगा आपका, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 1 7, तो 7 2 6 3 हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 24.21 में कितने डेसिमल प्लेस हैं, देखेंगे आप तो डेसिमल प्लेस है यहाँ पर 2, ठीक है ना, और 3 में कितने डेसिमल प्लेस हैं, तो 3 में एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, 0 हैं, तो यहाँ पर कितने डिजिट पे डेसिमल प्लेस लगेगा, इन दोनों डेसिमल प्लेस को हम काउंट कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 2, ठीक है ना, तो ये 2 डेसिमल प्लेस हो गया। तो अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, तो 2 डेसिमल प्लेस है मतलब पीछे से हम काउंट करेंगे नंबर को 1 और 2, तो 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल प्लेस लगा देंगे, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा डेसिमल प्लेस 2। नेक्स्ट है आपका टॉपिक किसी में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। अब डेसिमल का मल्टीप्लाई 10 से 100 से 1000 से करना, तब देखिए 2.45 है इनटू 10 आप करिए तो 245 जो होता है, आप डेसिमल छोड़ दीजिए 245 लीजिए और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करिए तो पीछे क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा। फिर हम इस पर क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस काउंट करेंगे, तो डेसिमल प्लेस कितने हैं 2 है ना, तो क्या होगा, अब यहाँ पर 0 में 10 में डेसिमल प्लेस एक भी नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन का टोटल डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए 2, इन दोनों डेसिमल प्लेस को हम ऐड कर देते हैं, तो 2 यानी कि पीछे से आप 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 24.50। तो आपने क्या देखा, 0.50 को हम 0.5 भी लिख सकते, 24.5 डेसिमल को हम पॉइंट भी पढ़ते हैं। सो इस तरह से ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, इसी में हम 22.45 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करते 245 इंटू 100, तो 20 पीछे आ गया। अब हम डेसिमल काउंट करेंगे, देखिए 2.45 में कितने डेसिमल प्लेस थे 2, तो 100 में कितने डेसिमल प्लेस है 0, तो इसमें कितने जो आपका आंसर आया उसमें डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, तो पीछे से 2 डिजिट के पहले आप एक डेसिमल लगा दीजिए 245.00, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 245। सो यू कैन राइट द आंसर 2.45 इंटू 100 इक्वल टू 245। नेक्स्ट क्या है, हमने देखा कि 2.45 में जब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 24.5 आया, और 2.45 में जब आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 245 आया, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला इससे आपको, तो इससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला इसे हम देखेंगे कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द डेसिमल मूव्स एज मैनी एज नंबर ऑफ प्लेस एज द नंबर ऑफ जीरो। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद डेसिमल क्या होता है, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के पीछे उतने पीछे चला जाता है, जैसे यहाँ 1 0 थे तो यहाँ 2 डिजिट के पहले था, अब 1 डिजिट के
ऐसा पीछे और हो गया। अब यहाँ 20 है तो ये दोनों डिजिट के पीछे ऐसे हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हमने लिखा है वो क्या होता है। 2.45 × 10, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1, तो ये और 2.45, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पीछे एक डिजिट पीछे मूव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपका 2.4, 24.5। अब नेक्स्ट 2.45 × 100, तो कितने जीरो हैं, 20 हैं। तो जो डेसिमल है आप देखेंगे कि 2 डिजिट के पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 245.0। सो नेक्स्ट आपका है फाइंड द प्रोडक्ट, इसे आपको फाइंड करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए कितना होगा यहाँ पर, 46.327 × 10, तो यहाँ पर एक जीरो है तो डेसिमल 1 डिजिट के पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स 463.27 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना, तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 463.27, आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका 0.008 × 1000, तो आप इसको मल्टीप्लाई लिखोगे तो क्या होगा, देख लीजिए आप इसको पूरा लिख लीजिए, 0.00 तीन टाइम जीरो और 8 आप लिख लीजिए। अब डेसिमल के प्लेस आप देखिए कितने जीरो हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो डेसिमल कहाँ से मूव होगा, डेसिमल आपका यहाँ पे जीरो था ना पॉइंट, तो 1, 2, 3 डिजिट के पीछे डेसिमल मूव हो जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.8। नेक्स्ट आपका ये यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है, तो इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। तो आपको डेसिमल के सभी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं, पर 110, 1000, 10000 इनके मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूर आ जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन सबको आपस में, और सेंटीमीटर मीटर में भी इन सबको आपस में कन्वर्जन करते रहिए। तो नेक्स्ट में हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और मल्टीप्लिकेशन के वीडियो को लेकर आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।